हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल कपल्स रसोई में। आज बनाने जा रहे हैं आलू चिली, तो चलिए इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए आलू, इसको ऐसे लंबे शेप में काट लिए हैं, डाइस्ड कैप्सिकम, डाइस्ड प्याज, कुछ कटे हुए स्प्रिंग ऑनियंस, कटे हुए अदरक और लहसुन, हरी मिर्च, टमाटो केचप, नमक, मैदा, कॉर्नफ्लोर, ऑयल, रेड चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस। अब एक बॉल में ये आलू को निकाल लिए हैं, इसमें डालेंगे मैदा, कॉर्नफ्लोर, स्वाद अनुसार नमक, अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये आलू के ऊपर कोट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हल्का सा पानी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये आलू के ऊपर मैदे और कॉर्नफ्लोर का एक हल्का सा कोट बन जाए। ये देखिए कि जो आलू के ऊपर मैदे और कॉर्नफ्लोर का एक हल्का सा कोट बन चुका है। अब इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिए हैं। अब इसमें एक एक करके ये आलू के पीसेस को डाल देंगे और इसे डीप फ्राई कर लेंगे। लगभग 4 मिनट के बाद ये आलू फ्राई हो चुके हैं। इसे हमने 2 मिनट मीडियम फ्लेम और 2 मिनट हाई फ्लेम में फ्राई किए हैं ताकि आलू जो है वो क्रिस्पी बन जाए। ये देखिए, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के बचे आलू को भी फ्राई कर लेंगे। चिली बनाने के लिए कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिए हैं। इसमें डालेंगे कटे हुए अदरक और लहसुन, हल्का सा चला लेंगे। फिर इसमें डालेंगे कटे हुए हरी मिर्च, इसे मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम में बस कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। लगभग 20 से 30 सेकंड सॉटे करने के बाद इसमें डालेंगे ये डाइस्ड ऑनियन और कैप्सिकम, इसे भी हल्का सा मिक्स करेंगे। फिर इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, बस कैप्सिकम और प्याज के लिए ही, इसे भी मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम में ये कैप्सिकम और प्याज हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। लगभग 1 मिनट के बाद ये देखिए, ये प्याज और कैप्सिकम हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे टमाटो केचप, रेड चिली सॉस, आप इसके जगह पे ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं, हल्का सा सोया सॉस और 1/2 टीस्पून के आसपास विनेगर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ समय के लिए पकने देंगे। कुछ सेकंड के बाद इसमें डालेंगे बस हल्का सा पानी। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे ये फ्राइड आलू और स्प्रिंग ऑनियन के बल्ब्स। अब इन सबको हाई फ्लेम में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये आलू चिली बनके तैयार है। अब सबसे आखिर में इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे स्प्रिंग ऑनियंस, इसे बस हल्का सा मिक्स करेंगे
अब गैस बंद कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे। अगर आपको ये आलू चिली की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल कपल्स रसोई को सब्सक्राइब कीजिए।